कलसा गांव में गजानन पारदी की बेटी की शादी दुर्गा माता मंदिर में 21 मई को हुई थी। इस वक्त मंदिर दूल्हा दुल्हन के मेहमानों से भरा हुआ था। इस समय मंगलाष्टक समाप्त होने के बाद जब रात्रि भोज का कार्यक्रम चल रहा था तो चोरों ने स्थिति का फायदा उठाकर दो पहिया स्प्लेंडर प्लस वाहन चोरी कर लिया। गजानन पारदीन की बेटी की कलसा गांव के दुर्गा माता मंदिर में 21 मई को शादी हुई थी। इस शादी के वक्त मेहमानों की भीड़ भी देखने को मिली, परंतु जब सब रात को खाना खा रहे थे उस वक्त बाहर से दो पहिया स्प्लेंडर प्लस वाहन चोरी हो गई। एक कार मालिक ने रिपोर्ट नहीं की क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं थे और दूसरे के पास कार के मालिक ने दिग्रस्त थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। प्रवीण पंजाबराव जाधव ने पुलिस थाने में मौखिक रिपोर्ट दी। राठौड़ उम्र 40, मोटरसाइकिल अनुमानित कीमत 30,000 रुपये, दिग्रस्त थाने आया और लिखित शिकायत दर्ज कराई। अज्ञात चोर के खिलाफ भर्ती दंड संहिता धारा 379 दर्ज की गई और थानेदार पांडुरंग द्वारा आगे की जाँच की जा रही है। वीकेबी न्यूज के लिए अजीत महिंद्रे की रिपोर्ट। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।